नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस मार्केट में अगर एक ब्रॉडर सेटअप की बात करूँ तो हमने हमारे मार्केट में एक अच्छी रैली आते हुए देखी थी 13 मई से, 13th of May से हमने अच्छी रैली देखी थी। 13 मई को ही मार्केट ने काफ़ी अच्छा बॉटम बनाया था क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लोज के करीब आके एक रिवर्सल पैटर्न बनाया था। सो 21,800 ये मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को रजिस्टर किया, उसके बाद तेज़ी दिखाई। मार्केट ने 23,100 के लेवल्स इसी मंथ में छुए और इसी मंथ के एक्सपायरी पे हम वापस से एक बार 22,500 पे आके क्लोज हुए। 22,400 ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा क्योंकि 22,400 कल के लोवेस्ट लेवल्स थे। एक्सपायरी के दिन पे हमने बड़ी बिकवाली देखी, कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हुए देखे, लेकिन साथ ही साथ 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर रैली और साथ ही साथ 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब आना इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो तेज़ी बनी थी और जो एक मोमेंटम बना था अभी वो वापस से न्यूट्रलाइज हुआ है। जब तक 22,400 के लेवल्स होल्ड हो रहे तब तक हम 22,600 एंड 22,950 से लेकर 23,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। 22,400 के नीचे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो फिर वहाँ पे हमें लगता है कि 22,200 तक के लेवल्स भी निफ्टी रजिस्टर कर सकता है। तो 22,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। बैंक निफ्टी में हमने अच्छा खासा रेजिलियंट एक्टिविटी देखी, आउट परफॉर्मेंस देखा, बट 48,300 अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना है। इन लेवल्स के नीचे हम 47,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट साथ ही साथ जैसे ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बना है बैंक स्टॉक्स के बीच और साथ ही साथ जैसे इनके फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, हमें लगता है कि ये 49,000 के लेवल्स के करीब एक बार वापस से आ सकता है और 49,000 के ऊपर अच्छी खासी तेज़ी बना सकता है। तो 49,000 के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 49,500 से लेकर 800 के लेवल्स बैंक निफ्टी रजिस्टर कर सकता है। इसके अलावा हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, बट रिवर्सल्स में इन स्टॉक्स को ख़रीदना है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि IT कंपनीज में हमने जो बड़ी गिरावट देखी थी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो US के बॉन्ड डील थे वो बुधवार के दिन वेनेसडे को 4.6263 के करीब आ गए थे, जो 4.20 के करीब ट्रेड किया करते थे। कल के दिन में हमने कुछ राहत देखी है, 4.5253 के करीब वापस से बॉन्ड डील आ चुका है, लेकिन अभी भी 4.50 के ऊपर ट्रेड करना एक हमें कंसर्निंग फैक्टर लगता है। इसी वजह से IT कंपनीज हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी तक यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना मुश्किल होगा, और इसी वजह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो इसमें पोजीशंस रखें और ख़रीदें, अदरवाइज इस पर्टिकुलर सेक्टर से फॉर द टाइम बीइंग दूर रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आपका दिन मंगलमय रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।